हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की के प्यार को कैसे समझें कि वो आपको पसंद करती है या नहीं करती है। तो आज की वीडियो सी टॉपिक पे है और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप लड़की को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, उनकी फीलिंग्स का अंदाज़ा लगा पाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वह है लड़की से दूर जाने की कला। जी हाँ दोस्तों, देखो ये एक ऐसी कला है जिसका यूज़ आप रिलेशनशिप में हो तब भी कर सकते हो, अपने रिश्तों को स्ट्रांग करने के लिए, लड़की के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए। और दूसरा, अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते हो, तो उस टाइम पे भी आप इस कला का यूज़ कर सकते हो। और जिन लड़कों को इस कला का यूज़ करना आता है ना, तो वो अपने पार्टनर या लड़की के इंटरेस्ट को हमेशा बनाए रख पाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर से कि हमेशा करीब रहने की कोशिश करोगे, ठीक है, बार बार उन्हें कॉल या मैसेज करोगे, तो इससे वो एक टाइम के बाद आपसे बोर होने लगेंगी। और वहीं अगर आप इस कला का यूज़ करोगे, थोड़ा बहुत उन्हें अवॉइड करोगे, उनके कॉल या मैसेज को थोड़ा सा इग्नोर करोगे, तो इससे उनके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी आपसे बात करने की, आपके बारे में जानने की, तो इससे इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ठीक इसी चीज़ का यूज़ आपको उस लड़की पे करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं करती है। कैसे करोगे कि जब वो आपके सामने हो तो आप उससे दूर रहने की कोशिश करो। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करती है, एफर्ट्स लगाती है आपके पास आने के, आपके करीब आने के, ठीक है, आपको कॉल या मैसेज करती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपको पसंद करने लगी है। अगला तरीका है कि क्रश के सामने किसी और लड़की में इंटरेस्ट दिखाकर भी आप अपनी क्रश के प्यार का अंदाज़ा लगा सकते हो। कैसे कि जब आपकी क्रश आपके सामने हो तो आप दूसरी लड़की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओ, उनसे हंस कर बात करो, ठीक है, या फिर उनके बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करो, बट एक लिमिट में रहकर। ऐसा ना हो कि क्रश को जलाने के चक्कर में आप जो है अपना पहले का जो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप है वो भी ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप उस लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहे हो और इस चीज़ को देखकर आपकी क्रश को फ़र्क पड़ रहा है कि वो जेलेसी हो रही है, या फिर उसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि आप किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी क्रश के प्यार का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो आपको पसंद करने लगी है। अगला तरीका है तारीफ़ करके भी आप अपनी क्रश के प्यार का अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि जब आपकी क्रश आपके सामने हो तो आप उससे दूसरी लड़कियों की तारीफ़ करो, चाहे वो उसकी क्लोज़ फ्रेंड हो या आपकी कोई दोस्त हो। अगर आप उनकी तारीफ़ करोगे ना और ये चीज़ देखकर आपकी जो क्रश है उसे अच्छा नहीं लग रहा, या आपको बोले अच्छा तुम उसे पसंद करते हो क्या, बहुत तारीफ़ कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके के सवाल अगर आपसे करे तो आपको समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, बट क्या है वो आपको बताना नहीं चाह रही है। अगला तरीका है कि अपनी क्रश को थोड़ा बहुत इग्नोर करके भी आप पता कर सकते हो कि वो आपको पसंद करने लगी है। एक जैसे कि जब आप उनसे कॉल या मैसेज पर बात करते हो तो कम बातें करना शुरू करो, ठीक है, या फिर अगर वो आपके सामने आती हैं, दिन में आप एक या दो बार उससे मिलते हो तो कोशिश करो कि एक बार मिलो, और उसके बाद ये देखो कि अगर वो आपसे बात करने के लिए या आपसे मिलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है, ठीक है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है, तो इन सभी कामों से आप समझ सकते हो कि वो आपको प्यार करने लगी है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।